बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे सबसे अहम सियासी पेशरफ्त से मुतालिक। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से मुलाकात कर रहे हैं। यह मुलाकात इस वक्त जारी है। नवाज शरीफ की हिदायत पर शाहिद खाकान अब्बासी मुलाकात के लिए लाहौर पहुंचे हैं। मरियम नवाज ने शाहिद खाकान अब्बासी को यकीन दहानी कराई है कि पार्टी मामला पर सीनियर क्यादत को साथ लेकर चलेंगे। मजीद कहा कि आपसे एहतराम का रिश्ता है जो कि मजीद मजबूत हुआ है। अफवाहें फैलाने वाले नाकाम होंगे। बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर हमारे साथ मौजूद है। आसिम, तमाम कयासराइयां दम तोड़ गई हैं। हाँ जी, इस वक्त क्लेम तो यही किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की क्यादत की तरफ से। हम अपने नाज़रीन को ये बहुत बड़ी खबर देंगे कि शाहिद खाकान अब्बासी, जिनके हवाले से कभी कहा जा रहा था कि वो पार्टी में आ रहे हैं, कभी कहा जा रहा था वो पार्टी को छोड़ रहे हैं, और उन्होंने गो के इस्तीफा दिया था अपने ओहदों से, लेकिन जराए ने हमने ये पहले भी खबर दी थी कि वो पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, और यही हुआ है। इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी लाहौर पहुंचे हैं और उन्होंने मरियम नवाज के साथ तकरीबन एक घंटे से उनकी ये मुलाकात जारी है। और इस मुलाकात के अंदर जो जराए बता रहे हैं कि इस मुलाकात के अंदर ना सिर्फ पार्टी के मामला बल्कि सीनियर क्यादत को साथ लेकर चलने का ना सिर्फ इत्तेफाक राय हुआ है, बल्कि मरियम नवाज ने यकीन दहानी कराई है कि शाहिद खाकान अब्बासी समेत जितने भी अहम हमारे पार्टी के रहनुमा हैं उनके साथ मशावरत का अमल है, वो मजीद उसे मजबूत किया जाएगा। इस मौके पर इस मुलाकात में जराए ने ये बताया कि मरियम नवाज ने यकीन दिलाया है कि मेरा शाहिद खाकान अब्बासी आपके साथ एहतराम का जो रिश्ता है वो पहले से मजीद मजबूत हुआ है और बेपरकियां जो फैलाने वाले हैं वो नाकाम होंगे। इस मौके पर शाहिद खाकान अब्बासी ने भी ना सिर्फ यकीन दहानी कराई कि वह पार्टी के साथ है, बल्कि उन्होंने उनका ये अयादा था कि वो नवाज शरीफ के सिपाही हैं और रहेंगे। ठीक है, साबिक वजीर आजम की जानिब से भी यकीन दहानी कराई गई है कि वो पार्टी के साथ हैं और रहेंगे। इस हवाले से आपने आगाह किया, बेहद शुक्रिया आपका।